कामरेड्डी के हल्के असेंबली जुक्कल में रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के जेर क्यादत जुक्कल के निज़ाम सागर मंडल में वाक़ सिंघीतम से विलागनूर में एक ज़बरदस्त बाइक रैली निकाली गई, जिसमें टीआरएस के उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की आवाम से अपील की। इस मौके पर वहां के तकरीबन 200 मुकामी अफराद ने कारगुजार वज़ीर-आला केसीआर के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। हनुमंत शिंदे साहब को भी फॉर्म दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। आज से आप बहुत ज्यादा जोर से प्रचार में जाने वाले हैं। आज खास करके निजाम सागर मंडल के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीफॉर्म मिलने के बाद सबसे पहले हम आपके पास ही आए। इसमें आज के ऑर्गेनाइजर हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सफेदर राजू साहब, आपके पूरे मंडल के पूरे हमारे लीडर, हमारे कार्यकर्ता सभी इस कार्यक्रम में मौजूद है। आपको सबको पता है पिछले 4-4.5 साल में केसीआर साहब सीएम बनने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारा हमने काम किए हुए, खास करके किसानों के लिए हम लोगों ने ज्यादा काम करने का काम किए हुए। पहले जैसा सरकार में आने के बाद श्रीराज रेड्डी साहब के नेतृत्व में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नेतृत्व में 17,000 करोड़ का कर्जा माफ करे, उसी के साथ साथ रैतु बंधु पद कम हो, रैतु बीमा पद कम हो, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का काम हो, ऐसा डिफरेंट काम डेवलपमेंट का काम किए गए। इसी तरीके से और अच्छे काम होना, अच्छे काम चाहिए बोले तो आने वाले दिनों में भी टीआरएस गवर्नमेंट आना चाहिए तो ये अच्छे काम बनेंगे। अभी अभी हमारे शिंदे साहब ने बताए थे इरिगेशन के बारे में, तो डेफिनेटली अगर ये गवर्नमेंट आ जाएगा तो हमारा 1,00,000 एकड़ इरिगेशन एक कॉन्स्टेंसी होने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा और हम सुजराम सुफलाम बन जाएंगे और हम बहुत अच्छी तरीके से हमारा उधर निर्वाह हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में टीआरएस सरकार आना बोले तो शिंदे साहब को ज्यादा वोट सब जिता के देना चाहिए और सीएम केसीआर साहब बनना चाहिए। सीएम साहब केसीआर बनना बोले तो हमारी तरफ से आज हमारे शिंदे साहब का असेंबली में बैठना जरूरी है। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले 7 तारीख को सब लोगों ने कहा तो वोट देके ज्यादा वोट देके चुरा के देना चाहिए और असेंबली को भेजना चाहिए। जब भी अपने 2500 काम पूरे हो जाएंगे, अगला मैनिफेस्टो में भी हम इससे अच्छा सपोर्ट देने का काम किए हुए, पेंशन में डबल पेंशन करने का काम किए हुए, 1,000 का 2,000 किए हुए, उसके साथ साथ ही फिजिकली हैंडीकैप लोगों को 1,500 से 3,000 करने का काम किए हुए, उसी के अलावा रैतु बंधु पदकम के तहत 4,000 से लेकर 5,000 देने का भी प्रोग्राम डिसाइड किए हुए और हमारे बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपए देने का काम भी उसके लिए हुए। इस तरीके से अलग अलग बेनिफिट आपको देने का सरकार ने हमेशा काम किए हुए। इसलिए मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ कि भारत देश में तेलंगाना सरकार एक ऐसा सरकार है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए काम करने वाला सरकार है। तो डेफिनेटली आने वाला सरकार हमारा ही है, सिर्फ हमारे को अच्छे वोट से अच्छे नंबर से जीतने की कोशिश करना है। तो आप सब लोग और बताया जाता है कि आने वाले 25 दिन 24 घंटे काम करके कार के लिए काम किए, पार्टी के लिए काम करे, ज्यादा वोट से सीधे साहब को जिताए। धन्यवाद। देख रहे हैं TK5, तेलंगाना का पहला मल्टीलिंगुअल न्यूज चैनल।